हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th केमिस्ट्री। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड एंड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेलोजन। सो व्हाट आर हेलोजन्स? ये कहता है कि हेलोजन्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो जो हमारा ग्रुप नंबर 17 होता है बच्चे पीरियोडिक टेबल में, जो कंटेन करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होगा? 9। क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी साथ साथ याद रहे, ठीक है। फिर ये बोलता है, कहता है जो ग्रुप नंबर 16 होता है उनको हम क्या नाम देते हैं। लाइक हमने बोल दिया कि जो ग्रुप नंबर 17 है वो हेलोजन होता है, ठीक है। तो कहता ग्रुप नंबर जो 16 होगा उसको हम क्या बोल देंगे? चालकोजन्स, ठीक है, चालकोजन्स बोल देंगे इनको। फिर बोलता है, कहता दीज टू रो हैव दी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या मतलब है इस लाइन का? कि ये जो दोनों रो है, कहता इनके पास हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी का मतलब एक टाइप से एनर्जी, यानी कि इनके पास वो वाली एनर्जी है जिसकी वजह से ये दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं, ठीक है। आगे बोलता है कि द नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहता जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है अक्रॉस अ पीरियड। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और कहता जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो डाउन द ग्रुप में क्या होगा? इंक्रीज। आप लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी। उसके बाद बच्चे हमारे पास आता है नोबल गैस। अब ये नोबल गैस क्या होती है? यानी कि निष्क्रिय गैस। अब ये कौन सी होती है, कहाँ होती है? नोबल गैस जो होती है वो होती है बच्चे ग्रुप नंबर 18 के अंदर। ये कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। अब इनके एटॉमिक नंबर, यानी कि हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जिनोन 54 और रेडोन 86। क्लियर? अब उसके बाद ये क्या कहता है कि एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंस शेल दैट इज एन एच टू एन बी सिक्स कॉन्फिग्रेशन। कहता हर एक पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कंसिडर होगा नोबल गैस के अंदर, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगी वो उसका फुलफिल होगी, जैसे कि कहता NH2 फुल है और NP6 फुल है। N का मतलब यहाँ पे जो आगे नंबर आएगा जिस पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट हैं। क्लियर? उन्हें हम बोल देते हैं नोबल गैस। दे हैव वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। हमने जैसे इसका नाम से ही बोला कि नोबल है, निष्क्रिय है, तो ये कम रिएक्टिविटी शो करती है। एंड वेरी डिफिकल्ट टू एड और द रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। जैसा कि उसने पहले ही बोला कि जो उनकी कॉन्फिग्रेशन है वो ऑलरेडी क्या है? फुलफिल्ड है। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या फिर ऐड करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, सो दैट्स वाई ये जो होगा मुश्किल है। ये थी इंट्रोडक्शन नोबल गैस की, उससे पहले थी हेलोजन्स की। क्लियर बच्चे यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब ये क्या चीज है तीनों, बारी बारी से इनको देखते हैं टर्न वाइज। कहता एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल। जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटल में और नॉन मेटल में डिवाइड कर देते हैं। अब मेटल्स क्या होती है? मेटल्स कहता मोर देन 78% ऑफ द नॉन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे मैंने लिखा है पीटी, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। कहता पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट खोजे गए हैं उनमें से मोर देन 78% जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है?
मेटल है, क्लियर। उसके बाद अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये होते कहाँ पे है, कहता ये होते हैं लेफ्ट साइड में पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कहता ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जो मेटल्स होती है, मेटल्स की वायर होती है, उनमें से करंट पास हो जाता है। बट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, लाइक लकड़ी है, प्लास्टिक है, तो इनमें से जो है बिजली पास नहीं होती, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। आगे कहता है दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर बहुत सॉलिड होते हैं। दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा। अब बट कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती 100%, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी होता है, तो वो देखिए क्या है। ये हम मेटल्स पढ़ रहे हैं, इसने पहले बोला कि सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP मेल्टिंग पॉइंट, BP बॉइलिंग पॉइंट। सो एग्जाम्पल एक्सेप्शन में क्या आएगा, मर्करी दैट इज HG, देन गैलियम, सीजियम ऑल्सो हैव दी लो मेल्टिंग पॉइंट 303, 302 रिस्पेक्टिवली। कहता जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि इसने बोला कि सॉलिड होती है मेटल्स, लेकिन एक्सेप्शन केस में आएगा मरकरी। उसके बाद बोलता है कि जो गैलियम और सीजियम है इनका भी कहता लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना कितना, 303 और 302, 303 गैलियम का, 302 सीजियम का। तो ये तीनों केसेज एक्सेप्शन केस में आएंगे मेटल्स के अंदर। Then they can be flattened into the thin sheets by hammering. कहता है ये जो metals होती है solid, इन solid metals को हम लोग thin sheet में भी convert कर सकते हैं, कैसे, hammering के द्वारा, machines के द्वारा इनको हम flat बना सकते हैं, wires sheet में convert कर सकते हैं। आगे कहता है ductile can be drawn into wires, और हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड मेटल्स को डक्टाइल यानी कि उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग घरों में देखते हो वायर्स होती है, वो मेटल्स की ही होती है, ठीक है। नाउ प्रोसीड विद द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो राइट हैंड साइड की टॉप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट आर नॉन मेटल्स, ठीक है। दे यूजली सॉलिड और गैसियस एट द रूम टेम्परेचर विद द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता ये रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड भी हो सकती है, गैसियस फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा। ये है नॉन मेटल्स। अब इनके अंदर भी हमारे पास दो एक्सेप्शन केस होंगे, दैट इज बोरॉन एंड कार्बन। दे आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, यानी कि जो मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की पुअर कंडक्टर होती है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर द ब्रिटल एंड नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, यानी कि ये क्या होती है, जो नॉन मेटल्स है वो सख्त है, ना तो हम इनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते, ना ही हम इनकी वायर्स बना सकते। दूसरा, जो नॉन मेटल्स है इंक्रीजेज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो नॉन मेटल्स का करैक्टर है या जो मेटल्स के एलिमेंट है वो लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में प्रोसीड करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। एग्जांपल देखिए, लाइक कहता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम बॉर्डरिंग दिस लाइन एंड रनिंग डायगनली अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से एलिमेंट है, सिलिकॉन, देखिए सिलिकॉन कहाँ पे है, नंबर 14, जर्मेनियम, एंटीमनी और टेलूरियम। कहता ये क्या है, ये एक बॉर्डर की तरह काम करते हैं, किसके लिए, बॉर्डर की तरह काम करते हैं पीरियोडिक टेबल में, और दे आर द करैक्टर्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी कि ये बॉर्डर की तरह काम करके क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले जो मेटल्स और नॉन मेटल्स थे उनको अलग कर देते हैं, और इनके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनके पास दोनों टाइप का करैक्टर होगा, यानी कि वो मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे, और ऐसे करैक्टर वाले एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर या फिर मेटलॉइड्स,
यानी कि सेमी कंडक्टर या फिर मेटलॉइड्स क्या होंगे जिनके पास दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज होगी, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।